रेडी स्टार्ट। पंखा के लिए रख रहे स्टार्ट। परंपरा की दुहाई देते हुए समाज के एक हिस्से के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सनी सिंगनापुर मंदिर हंगामे की वजह बना। स्टॉप। पुणे के एक सामाजिक संगठन की महिलाओं ने इस मंदिर में घुसकर शनि देव की पूजा करने की चेष्टा की तो उनको वहां जाने से रोका गया। स्टॉप। शनि सिंगनापुर मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। स्टॉप। इस परंपरा के विरुद्ध पहले भी सत्याग्रह हो चुके हैं तथा इन सत्याग्रहियों का दक्षिण पंथी लोगों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। स्टॉप। महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह तक जाने से रोकने में शनि सिंगनापुर अकेला नहीं है। स्टॉप। स्त्रियों की उपस्थिति तक को धार्मिक स्थानों में वर्जित मानना किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। स्टॉप। भारत के पूर्वोत्तर में बसे राज्य असम में निरंजन की पहाड़ियों पर बना विख्यात कामाख्या मंदिर है। स्टॉप। इस मंदिर में योनि की मूर्ति है कोमा, जहां देवी के रजस्वला होने पर मेला लगता है कोमा, वहां रजस्वला स्त्री का प्रवेश प्रतिबंधित है। स्टॉप। राजस्थान के पुष्कर में कार्तिक के मंदिर स्थित है कोमा, जहां औरतों को आशीर्वाद की बजाय सांप मिलता है। स्टॉप। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कक्ष में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। स्टॉप। छत्तीसगढ़ के मवाली माता मंदिर तथा झारखंड के मंगलचड़ी में भी महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। स्टॉप। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर परिसर में स्थित विमला माता के मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान 16 दिनों तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। स्टॉप। पैरा। स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों की यह लड़ाई सिर्फ हिंदू धर्म स्थलों में महिलाओं के प्रवेश तक ही सीमित नहीं रह गई है। स्टॉप। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मुकदमा दायर किया गया। स्टॉप। अरब सागर में पत्थरों से बनी जमीन पर स्थित इस दरगाह पर 2012 तक महिलाएं अंदर तक जाती थी, परंतु प्रबंधन ने उनके प्रवेश पर रोक लगाते हुए उसे शरीयत के आधार पर जायज घोषित किया। स्टॉप। हाजी अली दरगाह मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कोमा वर्तमान याचिका पर फैसला देने से पहले वह सबरीमाला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेगा। स्टॉप। दोनों ही मुकदमे संविधान में प्रदत्त 3 मूलभूत अधिकारों पर टिके हैं, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता कोमा, अनुच्छेद 25 धर्म की आज़ादी का अधिकार और अनुच्छेद 26 धार्मिक केंद्रों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी। स्टॉप। संविधान की धारा 25 बिल्कुल स्पष्ट है। स्टॉप। वह हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार घूमने कोमा उसका प्रचार करने का अधिकार देती है। स्टॉप। पैरा। संविधान विदों के अनुसार कोमा धार्मिक अधिकारों से संबंधित भारतीय महिला आंदोलन की याचिका मजबूत संवैधानिक मान्यताओं पर आधारित है। स्टॉप। यदि याचिकाकर्ता संवैधानिक अधिकार की बात प्रमाणित नहीं भी कर पाते हैं तो भी नागरिक अधिकारों का विकल्प तो उनके सामने रहता ही है। स्टॉप। पूजा का अधिकार एक नागरिक अधिकार है कोमा, जिसे नियमित कानूनी याचिका के जरिए लागू करवाया जा सकता है। स्टॉप। इस मामले में सैफुद्दीन बेनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे अभियोग को उद्भूत किया जा सकता है। स्टॉप। इस मामले में न्यायमूर्ति जे दास गुप्ता का कहना है
कि संपत्ति या किसी पूजा स्थल पर पूजा के अधिकार या स्थान विशेष पर दफनाने का अंतिम संस्कार के अधिकार को कानूनी याचिका के द्वारा अमल में लाया जा सकता है। स्टॉप। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सचिव अविनाश पाटिल एवं हामिद दाभोलकर अपने लेख फेथ इन रीजन में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कोमा अब तर्कशीलता की बात इतनी बुलंद हो गई है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टॉप। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह महज पहला कदम है। स्टॉप। अगर हम बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर हम कहां खड़े हैं। स्टॉप। हम लैंगिक समानता का समर्थन करते हैं या धर्म के नाम पर उसके दमन की हिमायत करते हैं। पैरा। भारतीय संस्कृति में किसी की मृत्यु होने पर उसको मुखाग्नि देने का कार्य पुत्र कोमा भाई कोमा पिता या पति ही करता है। स्टॉप। परंतु बीते दशक में इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले दर्जनों उदाहरण इसी भारतीय परंपरा व्यवस्था में सामने आए। स्टॉप। सामाजिक कोमा जातीय परंपरा के पक्षकारों के आरंभिक विरोध के बावजूद नारी ने अपने प्रियजन की चिता को अग्नि दी और बाद में सराहना की पात्र भी बनी। स्टॉप। बदलते परिदृश्य में ऐसी खबरें सनसनी बनने की बजाय स्वीकारोक्ति बन गई है। स्टॉप। हिंदू परंपरा में बेटे द्वारा दी गई मुखाग्नि महत्वपूर्ण मानी गई है। स्टॉप। इसे मृतक की आत्मा की मुक्ति से जोड़ा गया है और वही बेटे के एक पुण्य कर्म से। स्टॉप। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पुण्य की हकदार बेटी क्यों नहीं बन सकती। दूसरा पक्ष यह है कि नारी को अपवित्र की संज्ञा दी गई कोमा जिससे वह धार्मिक कार्यों से कोमा अनुष्ठानों से लगभग वर्जित कर दी गई और इसी अशुद्धता को अवलंब बना नारी को धार्मिक क्रियाकलापों से बहिष्कृत की श्रेणी में ला खड़ा किया गया। स्टॉप। बेटी के जन्म लेने पर माँ सर्वाधिक आत्मग्लानी का शिकार होती है कोमा जैसे बेटी को जन्म देकर उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। स्टॉप। जबकि भावनात्मक रूप से बेटियों को अपनी माँ से अधिक लगाव होता है। स्टॉप। पैरा। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न किया गया है। स्टॉप। आज यज्ञ कोमा पूजा पाठ हो या फिर प्रवचन कोमा पुरुषों का वर्चस्व टूट रहा है। स्टॉप। शास्त्रीय मत के अनुसार महिलाओं का श्राद्ध कर्म करना भी वर्जित नहीं है। स्टॉप। विशेष परिस्थितियों में वह श्राद्ध कर्म कर सकती है। स्टॉप। मनु ने भी कहा है कि स्त्री की सहभागिता किसी भी धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति आवश्यक है। स्टॉप। आज के विज्ञान की तरक्की ने और सृष्टि के आरंभ से मौजूद हमारे आध्यात्म दोनों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अशुद्ध नारी शरीर नहीं बल्कि पुरुष मानसिकता है। स्टॉप। पैरा। वैदिक युग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से स्त्रियों का चरमोन्नति का काल था। स्टॉप। यज्ञों में भी उन्हें सर्वाधिकार प्राप्त था। स्टॉप। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। स्टॉप। धर्मसूत्र में बाल विवाह का निर्देश दिया गया कोमा जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा आई। स्टॉप। स्मृति युग में स्त्रियों की स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर हो गई कोमा कारण यह था कि बाल विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ गया। स्टॉप। मध्यकाल में स्थिति में और गिरावट आई। स्टॉप। आधुनिक काल में अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की
दिशा सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास किए स्टॉप, कुछ अधिनियम भी बने स्टॉप, स्त्री पुरुष बराबर हैं कोमा, उनके मानवीय अधिकार बराबर हैं तथा देश का कानून व संविधान दोनों के लिए बराबर हैं स्टॉप, क्या देश अभी भी इस सहज कोमा आधारभूत बात को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संविधान हमें बराबरी की गारंटी देता है और धर्म उसे मानने से इनकार कर देता है, इस अंतर्विरोध की जड़ें कहाँ हैं और इसका हल कहाँ है